पहले बदमाशों ने मोबाइल छीना, मदद के बहाने तीसरे युवक ने बंधक बना कराई 60,000 की ट्रांजेक्शन। अम्बाला छावनी में बदमाशों ने योजना व तरीके से मदद को अंजाम दिया। पहले बदमाशों ने मोबाइल छीना और जब मदद के बहाने तीसरी युवक को भेजा तो वह भी बदमाशों के साथ मिला था। शिकायतकर्ता को बंद कमरे में ले जाकर बंधक बनाने के साथ साथ जान से मारने की धमकी दी और उसके मोबाइल से अलग अलग अकाउंट में 60,000 रुपए की ट्रांजेक्शन करवा ली। पुलिस को रजत निवासी राजपूताना मोहल्ला शहर ज्यादा शहजादपुर ने बताया कि 20 अप्रैल 2024 को अम्बाला कैंट सदर बाजार में मनिहारी का सामान लेने आया था। वह दिन के समय करीब 12 बजे ओवरब्रिज अम्बाला कैंट के पास महाराजा ढाबा के सामने खड़ा था। लगभग 12:30 बजे बस स्टैंड की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर दो युवक हैं। बाइक पर पीछे बैठा हुआ युवक उसका मोबाइल छीन कर फरार हो गया। इस समय एक और युवक मोटरसाइकिल पर आया, उसने उसे कहा कि क्यों भाग रहे हो। उसने बताया कि दो मोटरसाइकिल सवार लड़के उसका मोबाइल छीन कर भाग गए हैं। उस युवक ने कहा कि उसकी मोटरसाइकिल पर बैठो और उन स्नेचरों का पीछा करते हैं। बाइक चालक उसके आशियाना कॉम्प्लेक्स हुडा सेक्टर 34 में एक कमरे में ले गया। इस बीच जिन लोगों ने मोबाइल छीना था वह भी वहां पहुंच गए और जो युवक मदद के लिए आया था वह भी उसके साथ मिला हुआ था। रजत ने बताया कि यहां उन लड़कों ने धमकी दी कि उसे 1,00,000 रुपए नहीं दिया गया तो जान से मार दिया जाएगा। आरोपियों ने पेटीएम से 20,000 की 4 और 10,000 की 2 ट्रांजेक्शन अलग अलग अकाउंट में की है। उनकी जेब से 1900 रुपए भी निकाल लिए। वह बस में शहजादपुर चला गया। उसने मामले की जानकारी परिजन को बताई। अब पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज कर लिया है और कार्यवाही आरंभ कर दी है। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक, किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया, मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका।